क्लास हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। ओके क्लास, आज हम पढ़ने लगे हैं क्लास 5 का मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर है हमारे पास 4, डेसिमल्स एंड परसेंटेज। आपने लास्ट लेक्चर्स में जरूर देखा होगा कि आपने परसेंटेज निकाला है और एक हमें फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल में लेकर आना है, आपने इसको डिस्कस किया होगा। अब हम करने लगे हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो कि आपके पेज नंबर 87 पर है। 5 क्लास का मैथ्स है, देखें क्लास। अब पहली हमारी है कि हमने परसेंटेज निकालनी है। आपको देखें हमें परसेंटेज दी गई है, हमने उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आना है। क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि हमने हमें एक थर्मस दिया गया है, उसमें हमें जो है 15-10% ऑफ दिया गया है। हमने देखना है कि जो असल प्राइस है थर्मस की वो है 80। अब हमने उसमें से 10% डिस्काउंट खत्म करना है, यानी 10% प्राइस ऑफ करके हमें बतानी है हमें कितने की थर्मस मिलेगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमें डिस्काउंट मिला हुआ 10% ऑफ ₹80, यानी थर्मस कितने की है, 80 रुपीज़ की है। 10 को मैंने डिवाइड कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया, 80। तो मेरे पास आंसर आ गया 8% डिस्काउंट, यानी कि हमें कितनी डिस्काउंट ऑफ हो रही है, 8% 80 में से माइनस कर देंगे तो हमें कितने की वो थर्मोस मिलेगी, 72 की। यानी कि स्पेशल प्राइस क्या बनी, 80 में से मैंने माइनस कर दिए 8, हमारे पास आ गए 72। अब हमें थर्मोस मिली 72 रुपीज़ की। तो जी क्लास, तो हम हैं बी पार्ट की तरफ, जो कि इस तरह से कि प्लास्टिक की हमारे पास एक बकेट है, जो कि कितने की हमें मिल रही है, अगर हम अपने किसी भी शॉप पर जाए तो 65 रुपीज़ की हमें मिल रही है, लेकिन ऑफ लगा हुआ उसके ऊपर कितने परसेंट, 20%। मैंने 20 को 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 65 कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 13। यानी मुझे कितने का ऑफ मिल रहा है, 65 में से 13 का मुझे ऑफ मिल रहा है। मैंने माइनस कर दिया स्पेशल प्राइस के लिए, 65 माइनस 13 52 रुपीज़। अब मेरे पास जो आई है बकेट प्लास्टिक की, वो कितने की आई है, 52 रुपीज़ की। सी पार्ट की तरफ आया था विकेट कैमरा, जिसपे डिस्काउंट है 15%। वैसे वो कैमरा अगर हम नॉर्मली खरीदते जाए तो कितने का मिलेगा, 800 का। उस पर 15% ऑफ है, मीन्स टू से परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 800। ठीक है, हमारे पास आ गए 120। स्पेशल प्राइस मैंने निकाली कि अब हमें ऑफ के बाद कितने की मिल रही है, तो मैंने 800 में से 120 माइनस कर दिया, तो 680 मेरे पास आंसर आ गया। डी पार्ट की तरफ आते हैं, द टूथपेस्ट जो है उस पर मेरे पास कितने परसेंट डिस्काउंट है, 5%। वैसे वो जो हमारे पास टूथपेस्ट है, अगर हम किसी शॉप से खरीदने जाए तो 12.50 रुपीज़ की 50 पैसा में जो है वो मिल रही है। ठीक है, अब मैंने उसको क्या करना, उस पर 5% डिस्काउंट है, 5 को डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, 100 मल्टीप्लाई बाय 12.50 कर दिया। अब मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 0.625। मैंने स्पेशल प्राइस निकाली थी, मैंने 12.50 में से माइनस कर दी 0.625, तो मेरे पास कितने की टूथपेस्ट आई, 11.88 रुपीज़ की मेरे पास क्या है, टूथपेस्ट आई। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने लगे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके पेज नंबर 87 पे आपको गिवन है। आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के सुनाती हूँ, आपको समझाती हूँ, आपको क्वेश्चन में समझ में अंडरस्टैंडिंग आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, फर्दर सेकंड में है कि मिसेस शाह अर्न्स 850 एवरी मंथ फॉर हर वर्क एज कंप्यूटर ऑपरेटर। उन्होंने बताया है कि मिसेस शाह जो है वो 8.5 हज़ार का जो है वो अर्न कर रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अपने उनको अगर उनकी बॉस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं उनकी सैलरी का 10%, तो उनकी कितनी सैलरी हो जाएगी जो पर मंथ कमाएंगी और कितनी पर ईयर कमाएंगी, यानी कि एक साल में कितना अर्न करेंगी। उसके लिए आप देखेंगे 10% उन्होंने इंक्रीज कर लिया उनके बॉस ने, तो आपने 10 को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई उनकी सैलरी कर दी। 0 को मैंने 0 से कट किया और 10 को 10 से कट करके 850 आ गए, यानी कि उनकी सैलरी का 10% कितना बनता है, 850 रुपीज़। अब उन्होंने क्या किया, आप बताएं कि टोटल सैलरी भी उनकी कितनी हो जाएगी अगर उनकी सैलरी जो है इंक्रीज कर दीजिए 10%। आपने इनको बस प्लस कर देना, 8,500 को 850 को आपने प्लस किया तो आ गया 9,350 रुपीज़, यानी कि इतनी उनकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब उन्होंने पूछा कि तो पर ईयर यानी कि एक साल में कितना कमाएंगे, तो एक साल में कितने महीने होते हैं स्टूडेंट्स, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11,22,000, ये आपके आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। मिस्टर मंसूर अर्न्स अ सम ऑफ 35,000 पर ईयर, 75% ऑफ द सैलरी का खर्च करते हैं। उनको पूछते हैं कि बताएं कि उनके पास कितना बचेगा, यानी कि मिस्टर मंसूर के पास कितनी सैलरी है, 35,000। उन्होंने 35,000 का 75% को खर्च कर देते हैं हर महीने, तो कहते हैं बताएं 25% जो उनके पास बचता है आउट ऑफ 100, तो वो कितने बचते हैं। 75% उन्होंने गिवन आपको दी हुई है, तो 75 को उन्हें डिवाइड बाय 100 करना है, जितनी उनकी सैलरी है, कितनी सैलरी है उन्होंने गिवन की हुई आपके पास, 3
3000 उन्होंने आपको दिया है, ठीक है। अब आपने डबल जीरो को डबल जीरो साथ करना है, सिंपली इसे मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास क्या आएगा, 26,250 यानी 26,250 रुपीज वो अपनी सैलरी का एवरी मंथ जो है वो खर्च करते हैं। उन्होंने पूछा है जो 25% बचती है वो कितनी सैलरी उनके पास जो है वो उनकी सेविंग होती है। आपने 3500 से माइनस कर देना है जो 75% आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8,750 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसके टू पार्ट्स हैं। उन्होंने पूछा है कि स्लीम के फार्मर ने यानी कि उसके फार्म में कितने हैं टोटल जो है काउस, 48 है और उसमें से कितनी सफर कर रहे हैं डिजीज से, 24% यानी कि 24 जो है उसमें से बीमारी का शिकार है। उन्होंने पूछा कि कितने परसेंट उसकी जो काउस है कितने परसेंट बीमार है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2, 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 100 करना है। आप हमने क्योंकि परसेंटेज बतानी है तो आपने बिल्कुल भी 100 को 100 से कट नहीं करना, बिकॉज ये मैथ्स का रूल है कि ऊपर नीचे डिवीजन में कट हो जाती है। लेकिन आपने क्या करना है कि 1/100 करना है, ये परसेंटेज के लिए सेपरेट कर लेना है और इस 2 जीरो को 24 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कितने परसेंट आ जाएगी, 50% उसकी काउस जो है वो बीमारी का शिकार है। हसन के फॉर्म में कितनी है फार्म में, उन्होंने बताया कि है कि 32 उनकी जो काउस है वो बीमारी का शिकार है आउट ऑफ 60, 60 में से 32 जो है वो उनकी काउस सही नहीं है। तो आपने 100 इसके लिए भी सेपरेट कर लिया और 3200 को आपने डिवाइड बाय 60 किया तो आपके पास आ गए 53.3% यानी कि काउस जो है वो उनकी क्या है बीमारी का शिकार है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आए, ये क्वेश्चन नंबर 4 का हिंदी पार्ट है, ये पार्ट था क्लास देखें कि उन्होंने बताया कि मैच क्रिकेट मैच में स्टेडियम में देने हैं। तो उन्होंने पूछा है कि 27 मार्च में लेंगे वन डे फर्स्ट डे, उन्होंने कितनी सीट्स जो हैं वो स्टेडियम की ऑक्यूपाई की हैं, वो ये है कि आउट ऑफ या आपकी बुक में गिवन है स्टेटमेंट 240 में से कितनी जितनी उन्होंने क्या कर लिया ऑक्यूपाई कर लिए और 500 टोटल सीट्स की। आपने क्या किया इसमें से 500 को 5 से 500 में से आपने 100 को सेपरेट कर लिया और 5 को सेपरेट कर लिया, ये आपका परसेंटेज बन गया। 240 में से को डिवाइड किया 5 से तो 48 आ गया आंसर, यानी कि 48% जो थी 27 मार्च को सीट्स जो थी वो रिजर्व हो चुकी थी, ऑक्यूपाइड हो चुकी थी। अब आ जाइए, उन्होंने पूछा कि सेकेंड डे यानी कि 28 मार्च को कितनी सीट रिजर्व हुई, फिर उन्होंने बताया कि 325 सीट रिजर्व हो गई थी, टोटल कितनी थी 600, टोटल कितनी थी 600, आपने 6 को सेपरेट किया 1/100 को सेपरेट किया, ये 1/100 का आपको परसेंटेज बन गया, आपने इसे डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 54%।